यहाँ पे तो लगता ही यार। व्हाट्सएप पे बोलते बैक विद वीडियो, और आज जा रहे हैं कहाँ? ऑफरोडिंग सेशन में मजा आने वाला है, काफी एक्साइटिंग होने वाली है। अब तक जितनी भी ऑफरोडिंग ट्रेल की है, काफी मजा आया, काफी कुछ एडवेंचर हुआ है, काफी कुछ हुआ है। आपने देखा हो नहीं देखो चेकआउट कर लीजिए। आज फिर से जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं एक अपकमिंग राइड पे जा रहा हूँ, थोड़ी सी एडवेंचर होने वाला है, थोड़ी लंबी राइड है, तो उसके सोचा कि थोड़ा सा बाइक से यूज टू जल्दी हो जाते हैं कि ऑफ रोडिंग करते हैं। और ये बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी हुई है। आपको पता होगा मेरी बाइक का नाम नहीं, अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो मैं BMW 850 GS से चलाता हूँ। काफी एक्साइटिंग बाइक है, मजा आता है चलाने में। अभी चैनल पे गिव अवे भी चला हुआ है हेडफोन का और बैग का। बैग का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू होने वाला है। और आप कमेंट कीजिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाइए और कमेंट कीजिए, आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आप इसको पार्टिसिपेट करो, कैसे आप इनको जीत पाए। अभी टाइम हो गया 5:20-5:15 तक GFR जाना है, तो यहां से लग जाता है 40 मिनट, तो अभी है मेरे पास 10-15 मिनट। टैंक बैग लगाना है और निकलना है, रिफ्यूल कराना है, तो लग ही जाएगा इतना टाइम, तो मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा आराम से, तो इजिली। चलिए चलते हैं। आ गया गार्बेज डंप, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ट्रेल पे। बस अभी पहुँचने वाले हैं, पेट्रोल पंप पे रिफ्यूल कराते हैं, सभी वेट वहीं कर रहे हैं। वेट का मतलब है ना कि आई एम ऑन टाइम, तो पूछ रहे थे ग्रुप में कौन कौन आ रहा था, मैं लाइव लोकेशन शेयर कर दी अपनी। बस यहीं पे पेट्रोल पंप होगा, इधर से हम जाने वाले हैं। ये पेट्रोल पे कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ गए? वाओ, ये क्या हुआ? 6 से भी ऊपर हो गया टाइम, बंदे आए नहीं, क्यों नहीं आए? मैं पेट्रोल वालों की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप पे बंदे ही नहीं है भाई साहब, क्या चक्कर है? कुलदीप दोस्त चुका था, उसके बाद भी उसके साथ जैसे चला रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप पे है ही नहीं कोई बंदा है? ये बंदी होता है। अच्छा खुलता खाली। अच्छा अच्छा, कितना है? 250 रेंज दिखा रही है अभी, 250 दिखा रहा है ना, 32 किलोमीटर जाना रिफ्यूल तो कराया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रेंज है ना अभी 250 किलोमीटर का राउंड। प्लस आपको थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ कि मैंने इनसोल चेंज किया अपने बूट्स के, जो आप कोई से बूट में डाल सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। अभी वाई की है, देखते हैं। लास्ट टाइम लेग्स में पेन था, अभी इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो जल्दी ही पता चल जाएगा। लास्ट तक बताता हूँ जल्दी क्या है, थोड़ा सा और मैं भी कर लेता हूँ। ओके, चलिए राइड स्टार्ट हो गई है। इसको समर ट्रेल बोलते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताना याद नहीं रहा, तो सोचा इस बार मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ पे तो लगता ही आके हीकर ऐसी बना रखी है, और आज की टाइमिंग वैसे काफी अच्छी है। 6:30 पे हम निकल चुके हैं अंदर ट्रेल के लिए, 32 किलोमीटर की ट्रेल है, देखते हैं 1.5 घंटा लग जाएगा, और फिर वहां से दमदमा लेक से एग्जिट करने वाले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लग ही जाएगा इतना, फिर दमदमा से तो ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डोगी आगे पीछे 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 मस्ती कर रहे हैं, मॉर्निंग में मस्ती नहीं लगा मुझे यहाँ पे, तो काटने के लिए पीछे भागा मुझे। अभी नेक्स्ट वीक में राइड प्लान कर रहा हूँ, तो देखते हैं यार। नहीं, राइड तो पक्का है, इंटरनेशनल राइड होने वाली है, ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, जो एक्साइटमेंट है ना वो बनी नहीं रहती, फिर वो जिज्ञासुपन चला जाता है, इंटरेस्टिंग वन, क्या क्या आज आने वाले हैं, ऐसा नहीं बता दूंगा मैं, बट आज नहीं, अभी तो काफी पहले हो गया ये तो। क्या बता, इस वीडियो को देख रहे तो मैं जा चुका हूं। वेदर मस्त लग रहा है, कल ना हल्की हल्की ड्रॉप्स पड़ी थी, मतलब समझ रहे हो ना, रिमझिम बारिश हुई थी, जोर थी यार, बहुत ज्यादा जोर था उसकी। क्यों जोर था बताता हूँ आपको, ये बच गया पोल्यूशन हो रखा है, तो बारिश होती है ना सर, थोड़ा सा ठीक हो जाता है, एयर थोड़ी सी क्लीन हो जाती है, जो जरूरत है। दिवाली के बाद आपको पता ही होगा पोल्यूशन का लेवल क्या होता है, काफी एरिया में 500 प्लस आ रहा है। वैसे मैं घर पे तो एयर फिल्टर यूज कर रहा हूँ, बाकी मैंने पेड़ काफी लगा रखे है, इसीलिए लगा रखे है क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है दिल्ली में। मुंबई में कहते हैं उसे ट्रैफिक ज्यादा है, बट वहाँ पे क्या होता है, रेन होती रहती है, तो एयर थोड़ी सी क्लीन हो जाती है, इतना वो नहीं बनता, यहाँ पे वो सीन नहीं है। बाकी आज हम तीन ही बंदे हैं, मेरे आगे नकुल चल रहे हैं जो एक्सपर्ट है ऑफरोडिंग में, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। पीछे मेरे अभिषेक चल रहे हैं, वो भी काफी टाइम से कर रहे हैं, उनका लेवल नहीं पता मुझे अभी क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं, मेरे पीछे ही चल रहे हैं। और आज थैंक गॉड मैं फिनलॉक इंसर्ट लेके आया हूँ यार, फिनलॉक इंसर्ट तो मस्ट है क्योंकि फॉग अप हो जाता है, क्योंकि अभी वेदर हो गया थोड़ा थोड़ा ठंडा, वाइजर नीचे सब कुछ नीचे करके रखना चाहिए, खासकर जब से वो देखा ना एक्सीडेंट मैंने अफ्रीका ट्विन वाला। अभी कर रहे हैं स्किड की प्रैक्टिस, रियर व्हील व्लॉग करना, अभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बंप पे कैसे करें, यहाँ पे पहले पैक को दबाना है फिर एक्सीलेट करना है ऐसे। आया ना कूल शॉट, अब मैं करने वाला हूँ बट मुझे रिकॉर्ड कौन करेगा,
क्या बात है, पैक दबाओ और एक्सेलेट करो। आज दमदमा नहीं जा रहे मेरी आगे एक कोल, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने इनको कन्विंस किया किसी तरह के, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करके जाएंगे तो फिर दिक्कत रहती है। गए थे तो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करके आए, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाकी स्टारबक्स जा रहे हैं, बीच में प्लान चेंज हो तो बता दूंगा मैं, उसे चेंज नहीं होने वाला। आज स्टारबक्स पक्का जाने वाले, लास्ट टाइम भी स्टारबक्स की बात चल रही थी, इस बार पक्का है। क्या है? पक्का लाइक सेटलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ चलते चलते। D3 वो आपको पता ही होगा कि गार्ड्स बनाता है, CE लेवल 2 के, लाइक मेरा बैक प्रोटेक्टर एल्पिन स्टार की जैकेट में वही है, तो काफी अच्छे प्रोडक्ट है। इनसोल भी बना रहा है तो काफी अच्छी बात है। नॉर्मल जो रबर सी आती है ना, जो रबर जो भी मेटल से यूज बनती आता है, वो थोड़ा सा भीज से ही खराब हो जाता है। ये दिखने से ऐसा लगता है कि नहीं खराब नहीं होगा। नीचे लेयर भी अच्छी है और सेफ्टी वाइज इतना कुछ आप कह नहीं सकते, इसमें इतनी कुछ आपकी नीड है इनसोल की। बट कंफर्ट वाइज और ड्यूरेबिलिटी वाइज, नए बूट्स लेते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, जहां भी आप यूज करना चाहें इसमें निकाले इजिली आप निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं अपने बूट के अकॉर्डिंग। काफी देर से चला रहा हूं इन पे, मुझे अभी लैग भी इतना प्रेशर फील नहीं है जितना कि लास्ट टाइम फील हुआ था। लास्ट टाइम नॉर्मल वही अपने रबर वाले जो आते हैं बूट्स के अंदर वही थे। तो लास्ट टाइम तो इतना इरिटेट हो गया था, मैं ऐसा जी कर रहा था कि बस नहीं अब नहीं खड़ा होकर चला जाता, क्योंकि ये ना सैडलिंग करते हैं तो पैरों प्रेशर आता है। स्पेशली आप ऑफ रोड कर रहे हो ना तो ले लो, मेरी मानो तो ले लो। मतलब ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का डिफरेंस मेक करेगा, बट आपका थोड़ा बहुत जो दिक्कत होती है ना वो कम कर देगा। वो प्लस ड्यूरेबल चीज है, ऑफ रोडिंग करते हैं उनके लिए आई थिंक ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे तो ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि प्रेशर आता नहीं आपके हील्स पे, टो पे, लेग पे। अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया एक दो बार ट्रेल करने से ही। हील की तरफ ना थोड़ा थिक भी है, सॉफ्ट कुशनिंग भी देता है, प्रोटेक्शन देता है, जैसे मैंने प्रोटेक्शन की तो बताया था आपको। और ऑफ रोडिंग वाले पैग लगा रखे तो आपको दिक्कत आती ही होगी, लेग्स पे प्रेशर फील होता ही होगा। मस्तियां चल रही हैं। आज है ना ट्रेल काफी जल्दी कंप्लीट किया, पूरा नहीं किया, दमदमा लेक वाला, वो ये थोड़े प्रैक्टिस करके ही जाए अगर आए तो। ऑफ रोडिंग बाइक ली है और अपने ऑफ रोडिंग नहीं आती तो फिर समझ रहे हो ना क्या फन, मजा क्या, इतने पैसे डालने क्या मजा, कैसे चलती है बाइक यार, मजा आता है। इस बार रूट लिया थोड़ा डिफरेंट, इन पॉइंट और आउट पॉइंट में डिफरेंस है। हम आए थे राइट साइड से, इधर से जा रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। अभी ना एक इशू है बस मुझे, लोक एंड टर्न वाला, ये गिरने का डर तो सबको डर लगता है लोक एंड टर्न में। ये स्किल सेट अगर आ जाता है ना तो बाइक पे आपका ना कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा अगर डरते कब होते, यू टर्न लेते हो। मैं बिग हैवी एडवेंचर बाइक की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स बाइक में काफी ईजी होता है एज कम्पेयर टू दिस। ये नहीं है कि उसमें स्किल चाहिए नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है, बट एडवेंचर बाइक में ज्यादा चाहिए होता है मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम तो इधर निकल गए थे, सेक्टर 29 जाना ये लगा हुआ, वैसे पता है मुझे, काफी बार आता जाता रहता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड पे, मतलब राइड क्या राइड करके आए और फिर खा लिया। यहाँ तक की नहीं होती राइड, ये तो स्टार्ट होती है यहाँ से राइड, तो ये आगे मार्केट। मॉर्निंग में बिल्कुल खाली, शाम के टाइम यहाँ जगह नहीं मिलती पार्किंग के लिए, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ स्टारबक्स में खाया, मजा आ गया, वैसे आता रहता हूँ, इतना नहीं, इतना लाइक रेगुलर नहीं हूँ स्टारबक्स में। अपना KFC ज्यादा चलता है या मैकडी, क्योंकि मैकडी क्यों चलता है कि हर जगह अवेलेबल होता है तो एक टेस्ट बन जाता है, तो रेगुलरली वहीं जाते हैं। अभी टाइम हो गया 9:45, जैसे आप देख रहे हैं एक्यूरेट टाइम है। ये सामने हमारा NH8 रहा, जो कि NH48 हो गया है, लाइक व्लॉगर लाइफ बताना पड़ता है बार बार। यहां से चलना है वापस घर को और फिर छोटे मोटे काम है मुझे आज, तो थोड़ा सा जल्दी हमने इसलिए किया, काम नहीं होते तो नहीं, घर पे मेहमान आए हुए हैं तो उनको ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई अब नहीं यार मैं तो जा रहा हूँ काम से, इतना जरूरी काम नहीं है, ये फन के लिए करते हैं। आज रहा स्मॉल लिटिल सेशन, बट हमने स्किल्स लर्न की, लाइक स्लाइड एंड पिवट कर रहे थे, लॉक टर्न की बात हुई थी, लॉक टर्न नहीं कराया क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, डर लग पड़ने का चांसेस पूरा पूरा होता है और आप गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि वो उस तरह की स्किल्स लर्न होती है कि आपको गिरना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरी तरह से आपको पुश करना पड़ता है, पूरा लॉक करना पड़ता है, तो वो चीज करने के लिए आपको गिरना पड़ता है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये मेरी प्रिपरेशन हो रही है लॉन्ग राइड की, और जिससे कि ना मैंने ऑफ रोडिंग स्किल थोड़ी सी मैं लर्न कर लेता हूँ, तो स्पीति वगैरह, लद्दाख वगैरह, और जो मैं राइड करने वाला हूँ वहाँ पे भी काम आने वाली। कहाँ जाने वाला हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सबसे पहले अपडेट वहाँ पे मिलने जाएगी, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके फॉलो कीजिए, लाइव अपडेट्स का मजा लीजिए, तो काफी कुछ मिस आउट करेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, मैं फोटो वगैरह डालता रहता हूँ, थोड़ा सा रेगुलर हो चुका हूँ, स्टोरी वगैरह भी आती रहती है, डेली इतनी ज्यादा स्टोरी तो नहीं डालता बट इतनी डालता हूँ कि काम की, आपको भी देखने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो जी हाँ।
फॉलो कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी लंबी और एक्साइटिंग राइड आने वाली है, तो आपको भी मजा आने वाला है, मुझे मजा आने वाला है, काफी धमाकेदार जबरदस्त वीडियो आने वाली है। और अभी मैंने ड्रोन भी बाय किया जिससे कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं डालने वाला हूं जल्दी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, 4-5 वीडियो पेंडिंग में, पर मैं उससे पहले निकल जाऊंगा लॉन्ग राइड पे। तो जी आप तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आपसे सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बंदे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का लेवल अलग होता है, तो वीडियो की क्वालिटी भी अप हो जाती है। काफ़ी स्किल्स वगैरह लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि वीडियो क्वालिटी अप जाए और आपको भी पसंद आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करती है। तो जी हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, लिव लाइफ लिव डेम, बाय।